उन्होंने कहा देखिए, प्रश्न करने की एक पद्धति होती है। अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको उसको उच्च आसन देना चाहिए और आप नीचे होके सुनिए, और आप तो सिंहासन पर बैठे हो और हम खड़े हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है हमारे सनातन धर्म का। तद्विधि प्रणिपातेन ने परिप्रश्न ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्दर्शिना। पहले गुरु को प्रणाम करें, परिप्रश्न करें, सेवा करें नम्रता से। पानी ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है। कोई आदमी ऊपर बैठ जाए और गुरु से कहेंगे, और आजकल तो यही हो रहा है। आजकल हमारे स्कूलों कॉलेजों में क्या होता है, लड़के तो चेयर में बैठे रहते हैं और उनका मास्टर खड़ा खड़ा उपदेश करता है। पहले पद्धति नहीं थी, गुरु ऊपर बैठते थे, वहाँ के उसी से बैठते थे। तो बादशाह ने अपना सिंहासन उनको दे दिया कि आप बैठिए, हम आपको खड़े होकर प्रश्न करते हैं। तो सिंहासन पे जब वो बैठ गया किसान, कहा बोलिए क्या करता है परमात्मा। बोले करता क्या है, पहले ये बताओ हम इतनी दूर से आए हैं, कुछ खाने पीने को पूछो। तो बोले क्या खाओगे, कहा हम दूध पियेंगे। तो दूध का कटोरा आया, पूछा किसान देखने के गौर से दूध की तरफ। बादशाह ने पूछा क्या देख रहे हो, कहा मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें घी कहाँ रहता है, दूध में घी कहाँ रहता है, ये मैं देख रहा हूँ। तो उसने कहा कि इसके जर्रे जर्रे में रहता है। कहा इसी तरह से हमारे भगवान जर्रे जर्रे में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। आजकल सिनेमा वाले दिखाते हैं, अखबार वाले दिखाते हैं, ऊपर वाला देख रहा है। अरे ऊपर वाला नहीं, वो ऊपर भी है, नीचे भी है, आजू भी है, बाजू भी है, और तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी है। तो कहाँ परमात्मा नहीं है। कहा ठीक है, समझ गया। अब ये बताइए वो करता क्या है। बोले करता ये है कि जो रंग है उसको सिंहासन में बैठा देता है और सिंहासन वाले को नीचे खड़ा कर देता है। कहा ये बेटी। फिर पूछा कि खाता क्या है। बोले जो अहंकार करता है वो उसको खाता है। तो किसी का अहंकार भगवान ने नहीं रहने दिया। हिरण्याक्ष का अहंकार खत्म हुआ, हिरण्यकश्यप का खत्म हुआ, रावण का, कुंभकर्ण का और कंस का, किसी को जरासंध का। तो अहंकार जिसमें रहता है, जो महापुरुष है वो अहंकारी नहीं होते हैं, वो दम्भ मान मद उनमें नहीं होता है, वह अत्यंत नम्र होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शंकराचार्य जो है ये अपने आप बनने से नहीं होता है, न कहलाने से होता है। हमारे यहाँ ये पद्धति है कि जो व्यक्ति योग्य होता है एक आचार्य के अंत में, उसी योग्यता के व्यक्ति का विद्वान लोग अभिषेक करते हैं, और जिसका अभिषेक हो जाता है उसमें लोगों की भगवत बुद्धि हो जाती है। जैसे मूर्ति में प्रतिष्ठा कर देने पर देवता का सान्निध्य हो जाता है, उसी प्रकार जिस महापुरुष का अभिषेक हो जाता है उसमें भगवान की कला हो जाती है।
तो उस समय सबने उनको नमस्कार किया। यो अनुचान सनो गरियान, जो अनुचान है विद्वान है वो हम में श्रेष्ठ है, ये विद्वानों के यहाँ कहा जाता है। तो अंतकाल होने पर प्राणायाम करे, फिर भगवान का ध्यान करे, भगवान का जो भी सगुण साकार स्वरूप है उनके मस्तक से लेकर चरण तक ध्यान करे। ध्यान करते करते अपने आज ये बताया गया है, भगवान का ध्यान करता जाए और उनका नाम जपता जाए, मंत्र का जप साथ साथ में करता जाए, तो मंत्र भी गुरु से ग्रहण करें। और कुछ महापुरुष तो श्वास श्वास में मंत्र जपते हैं, श्वास श्वास में राम कहो बता श्वास जनिक हो ना जाने या श्वास को अवन होए न होए। ये 21,600 श्वास 24 घंटे में चलती हैं। अब जितनी श्वास निकल गई अब इतना आप देखिए 24 घंटे में 21,600, तो महीने में कितनी और साल में कितनी और 100 साल में कितनी, कंप्यूटर में आप देख लो। और जो श्वास निकल गई वो लौट के आने वाली नहीं है, जो गई सो गई। आप देखिए समय का पता तब लगता है जब डॉक्टर कह देता है कि अब आपका समय समाप्त है, वैद्य कह देता है कि अब समाप्त है। तब एक एक मिनट की कीमत हो जाती है। और देखिए व्यवहार में आप अपने किसी मित्र को रेल में चढ़ाने आए हैं या वो रेल में चढ़ गया है और उसको कुछ कहना है और रेल चालू हो जाती है, तब पता लगता है कि समय की कितनी कीमत होती है। तो जो श्वास निकल गई, वही हम बता रहे थे कि एक किसान था, वो अपने खेत में मचान बनाकर ज्वार की खेती की रक्षा कर रहा था चिड़ियों को भगाकर। उसके खेत के किनारे एक गहरी नदी थी, तो गोफने में भर भर के पत्थर फेंकता था और चिड़ियों को भगाता था, और वो पत्थर चिड़ियों को भगाता हुआ नदी के अथाह जल में डूब जाता था। इस तरह से अपने खेत की रक्षा कर रहा था। एक दिन उसके पत्थर समाप्त हो गए, तो वो नदी के करार में पत्थर ढूंढने गया तो उसको एक हंडा मिल गया। उस हंडे में बड़े चमकीले चमकीले पत्थर थे, उसने कहा अच्छा है, चिड़िया भगाने के लिए अच्छा होगा। तो वो लेके आया और उससे वो गोफने से फेंकने लगा पत्थर, सब डूब गए। जब एक पत्थर बचा तो घर से खबर आई कि आज घर में नमक नहीं है, तो सोचा कि अब क्या करें, पत्थर तो आई नहीं है। तो वो जो पत्थर बचा था उसी को लेके नमक की दुकान की तरफ जा रहा था, किसी जौहरी की नज़र पड़ गई। उसने कहा अरे ये तो कोई कीमती पत्थर है, यहाँ कहाँ देने जा रहे हो। जौहरियों से पूछे, किसी जौहरी ने कहा कि इसकी कीमत तो 1,00,000, किसी ने कहा 10,00,000, किसी ने कहा 1,00,000। नगर सेठ बोला कि ये तो रूबी, इसकी कीमत मेरे पास नहीं है। अब उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे मेरे पास सैकड़ों पत्थर थे, अगर वो सब के सब होते तो मेरे बराबर संसार में कोई धनी न होता। तो ये श्वास ही पत्थर है।
इसको खोना मूर्खता है। अब आप देखिए, व्यर्थ के कामों में लोग अपना समय बिता देते हैं, जो कि भजन में बीतना चाहिए। तो खूब भगवान का ध्यान करें, श्वास श्वास में ध्यान करें। ये मन जो है ना, ये मन ऐसा बच्चा है कि ये विषय रूपी खिलौनों को पकड़ के बैठा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं। इन विषयों में आसक्त होकर रात दिन की चिंता में लगा रहता है। अब इसको विषयों से कैसे हटाएं, भगवान में कैसे लगाएं? तो भगवान में लगाने के लिए आवश्यक है कि पहले विषयों का चिंतन छुड़ाएं। जिस स्लेट में पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ और लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो जिस अंतःकरण में विषय लिखे हुए हैं, आपका अंतःकरण से जब रंगा हुआ है, तो आप भगवान को अपने हृदय में कैसे ला सकते हैं? तो सबसे पहले मन को उनसे हटाना पड़ेगा, तो ये छोड़ता नहीं। तो जैसे बालक के हाथ में खिलौना होता है, झुंझुनू पकड़ लेता बालक, छुड़ाओ तो रोता है, पर यदि उसको झूलने में झुला दिया जाए तो थोड़ी देर में उसको नींद आ जाएगी, हाथ ढीला हो जाएगा, झुंझुना अपने आप गिर जाएगा। इसी तरह से ये मन रूपी मानक को श्वास रूपी झूले में झुलाया जाता है। श्वास झूले में झूलते झूलते ये मन अपने आप विषयों को छोड़ देता है, और जब छोड़ देता है तो केवल भगवान आ जाते हैं। और भगवान के भी चरणों का ध्यान करते करते, जब भगवान के भी स्वरूप को धारण करने में असमर्थ हो जाता है शिथिलता के कारण, तो निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप में जाके स्थित हो जाता है। तो ये है, मृत्यु का समय यदि आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़ के भगवान का चिंतन करे। लेकिन आजकल क्या होता है, अरे उसको बुला लो, उसको बुला लो, मैं उसको देख लूँ। और परिवार के लोग आते हैं, कुटुंब के लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, हमें पहचानते हैं आप, अरे तुम्हें पहचानते तो जिंदगी बीत गई, अब भगवान को पहचानने का टाइम आया है भैया, अब शांति से मरने दो। लेकिन वो मरने नहीं देंगे, दुनिया भर की बात पूछे। लड़के बच्चे कहेंगे कहाँ रखा है, कहीं गड़ा हो तो बता दो। उस समय क्या होता है कि गड़े होंगे धन को बताने के लिए जबानी नहीं है, मुंह बंद हो गया, उसी का ध्यान करते हुए फिर मर जाते हैं। एक महात्मा थे, हमारे गुरुजी बताते थे, ब्रह्मानंद जी महाराज, कुछ महात्माओं के साथ वो बद्रीनाथ की यात्रा जा रहे थे। उनमें से एक महात्मा के पास कुछ मोहरें थीं सोने की, तो उसने सोचा कि कहीं कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले, तो रास्ते में एक पत्थर के नीचे उन्होंने मोहरों को दबा दिया कि लौटते समय उठा लेंगे। बद्रीनाथ की यात्रा करके जब वो लौटने लगे तो उसी समय उन महात्मा की मृत्यु हो गई। लेकिन और महात्माओं को मालूम था कि वो मोहरें कहाँ रखी हैं, तो जो उन्होंने चट्टान को उठाया तो वो उन मोहरों के ऊपर कुंडली मार के सांप बैठा हुआ था। महात्मा समझ गए कि ये कुंडली वाला सांप
वो महात्मा ही है, मरते समय इसका इसी में ध्यान था। तो एक बर्तन में वो मोहर और वो सांप सब रख के वो लोग ऋषिकेश आए, और ऋषिकेश में आके वो मोहरें उठा के उन्होंने उनसे भंडारा कर दिया। अब तरह का भोजन बना के संत महात्माओं को बैठा रहा, और जैसे उसका भंडारा खत्म हुआ वो सांप भी अपना शरीर छोड़ गया और उसका मोक्ष हो गया। ये बात तो धन में आ सकती। बड़ा अच्छा लग रहा है, कल हम गए थे यहाँ लोग भोजन कर रहे थे, हमको तो लोगों ने बताया कि गांव में अब किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आप कमा के क्या करोगे? बहुत ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो लड़के शराबी हो जाएंगे, जुआड़ी हो जाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय संचय। बेटा अगर सपूत तो कमा खा देगा, और कपूत है तो भी सर्वनाश कर देगा, कोई ज़रूरत नहीं है संचय की। जो आपको भगवान ने दिया है उसको अच्छे काम में लगा दो। सब प्राणियों के पेट के भीतर वैश्वानर रूप से भगवान विराजमान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। तो इस तरह से भगवान का ध्यान करने की बात आई, फिर प्राणों की चर्चा शुरू हुई। उसमें श्री सुखदेव जी ने अनेकों कथाएं सुनाते हुए ये बताया कि ब्रह्मा से ये सारी सृष्टि हुई है। उन सृष्टियों में सबसे पहले वैवस्वत मनु हुए। मनु की तीन कन्याएं हुई हैं और दो पुत्र हुए, आकुति देवहूति प्रसूति। ये दो कन्याएं प्रियव्रत और उत्तान बाद दो पुत्र दो हुए। आकुति का विवाह मनु ने ऋषि नाम के ऋषि से कर दिया, और प्रसूति दक्ष को दे दी। जो देवहूति थी वो मन से कपिल देव को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए रथ में बैठ के मनु शत्रुपा कपिल देव जी के आश्रम में आए, और वहाँ आकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमारी ये कन्या है और इसके दो भाई हैं। आजकल क्या है, लोग सोचते हैं कि अगर लड़के की शादी करना हो तो ऐसे घर में करो जिसमें कोई भाई ना हो, लकड़ी अकेली हो तो सारा धन हमारी घर में आ जाए। पहले लोग ये सोचते थे कि बहू के मायके में भी कोई रहना चाहिए, अगर उसका मन कुछ वहाँ न लगता हो तो कुछ दिन अपने प्यार के जा सकती है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि बाप की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार मान लिया गया, कहा सब बराबर है। बाप की संपत्ति में बेटी का मान लिया, कहा बेटियों के साथ भला कर दिया सरकार, क्या भला हो गया। यहाँ भाई से लड़के जमीन और संपत्ति ले गई, और वहाँ उसके घर से उसकी ननद ने ले लिया। बात तो बराबर है, यहाँ से लिया वहाँ से चला गया, और हालत ये हो गई भाई से लड़के गई है
तो अब कभी अपने मायके आएगी तो उसकी भौजाई सोचेगी कब जाएगी ये बटाने आई। ये जो कानून बने हैं ये हम लोगों के शास्त्र के विरुद्ध हैं। पिंडम दत्त्वा धनम हरेत, जो पिंडदान करने का अधिकारी है वही अपने पिता पिता में धन का अधिकारी होता है। इसलिए कन्या को नहीं दिया जाता, वह दूसरे गोत्र में चली जाती है। अगर पुत्र न हो तो कन्या का पुत्र अधिकारी होता है। ये सब शास्त्र का विधान है, हमारी स्मृतियाँ। अब इन स्मृतियों के बारे में लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक संस्था है विश्व हिंदू परिषद, उनका कहना यह है कि पुरानी स्मृतियां अब अव्यावहारिक हो चुकी, इसलिए अब नई स्मृतियों का निर्माण करना चाहिए, इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद बनाई। अब वो नई स्मृति बनेगी, पहले जो स्मृतियाँ थीं वो स्थिति के अनुकूल थी, वो किसी के अनुकूल किसी के मन की उपज नहीं थी। स्थिति के अनुसार ही स्मृतियाँ चलती थी। अब ये नई स्मृतियाँ जब बनेंगी तो मनमाना लोग बनाएंगे। तो आजकल भी जो कानून बनता है उस कानून के बनने से ही वो कोई विधेयक पास होता है, पास होते ही वो कानून नहीं बनता जब तक कि गवर्नर का या राष्ट्रपति का दस्तखत ना हो जाए। इसी तरह से आप नई स्मृति बनाओगे तो उसमें दस्तखत कौन करेगा? जिस परमात्मा ने बनाई थी अभी वो चुनाव में हारा तो नहीं है, और वो अगर दस्तखत नहीं करेगा तुम्हारी स्मृतियों का क्या मतलब होगा? और परलोक में तुम्हारा ये संविधान थोड़ी काम करेगा, परलोक में आपकी स्मृतियाँ काम करेंगी। जो आपने इस जीवन में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, भले यहाँ से आप छूट जाए, परमात्मा के यहाँ से यमराज के यहाँ से आप नहीं छूट सकते। तो ये जो इनकी भावना है कि हम नई शास्त्र बनाएंगे, और राम को भी उन्होंने कहा ये महापुरुष थे, ये भगवान नहीं थे। हमने कहा महापुरुष थे, इसका पता तुमको कैसे लगा? कोई इतिहास में तो लिखा नहीं है। आप महाभारत पुराणों से ही, महाभारत और रामायण से ही, भागवत से ही जानते हैं कि ये हुए थे। तो उनमें तो ये लिखा है कि भगवान के अवतार थे, साक्षात परमात्मा ने वो अवतार धारण किया था। तो आप उनको तो मानते नहीं, आधी आधी मुर्गी मार के खा जाओ, आधी अंडा देने के लिए छोड़ जाओ, ये कहाँ का नियम है? अगर मानते हो तो पूरा मानो, नहीं तो तुम हमारी बातों में हाथ मत लगाओ। मानते हो तो राम को परब्रह्म परमात्मा मानो, और उनके यहाँ मंदिर बने तो शास्त्रों के विधान से बने, और नहीं तो तुम अपना दूसरा काम करो, हमारे हिंदुओं के काम में हस्तक्षेप मत करो। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि मनुष्य को अपने परलोक का बनाना और बिगाड़ना शास्त्र को जानकर ही करना चाहिए। शास्त्र ही आँख है, जैसे रूप के संबंध में आँख प्रमाण है, वैसे ही धर्म और अधर्म के संबंध में हमारे शास्त्र प्रमाण। और शास्त्र क्या है? वेद स्मृतियाँ, और उन वेद स्मृतियों के अनुसार आप देखें दूसरे ग्रंथ भी बने हुए हैं, रामचरितमानस है, इन सब में धर्म की बातें लिखी हुई हैं। उसको समझिए, श्रीमद् भागवत
ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये वेद है, इतिहास पुराण पंचम वेद होता है। तो इतिहास में वाल्मीकि रामायण आती है, महाभारत आती है और पुराण में 18 पुराण आते हैं। ये सब हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनमें जो बताया गया है वही हम लोग मानते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि साईं की पूजा करें कि ना करें, हमने कहा भाई हमारे शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है। कलयुग में दो ही अवतार होंगे, एक बुद्ध होंगे एक कल्कि होंगे। कोई मुसलमान के घर में चांद मियां नाम से कोई अवतार होगा ऐसा नहीं लिखा है, तो हम कैसे मान लें? तो हमने उसको इनकार कर दिया। लेकिन षड्यंत्र देखो, लूहरवाड़ा का जहाँ गांव था इसी क्षेत्र में खिचड़ी बनती थी और वो प्रसाद सबको बांटा जाता था। कसाई का व्रत इतवार को वो गुरुवार को करो, लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं। साई राम, साई चालीसा, साई भागवत, सब जगह साई साई। उससे कहा गया चांद मियाँ से कि भाई तुम गंगा नहा लो, बोले मेरे चरणों में गंगा रहती है। ऐसे व्यक्ति की पूजा होने लगी। खिचड़ी का यहाँ प्रसाद नहीं बढ़ता था, हमारे यहाँ प्रसाद जो है सत्यनारायण के व्रत में बनता है। रम्भा भरम घृतम क्षीरम गोधूमस्त च चूर्णकम अभावे शानी चूर्णम व शर्करा व गुड़ तथा। रम्भा फल केले का फल और घी में आटे को घी में भून लो और शक्कर मिला लो, शक्कर ना हो तो गुड़ मिला लो, तो यही हो गया प्रसाद। वो तो छोड़ दिया, वो कहा लहसुन प्याज मिला के खिचड़ी खिलाओ जिससे कि हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाए। हम मम्मी कल कथा सुना रहे थे, जब भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी मुस्करा रही थी, तो भीष्म पितामह की दृष्टि पड़ी तो पूछा द्रौपदी तुम मुस्करा रही है, क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने कहा कि महाराज जिस समय भरी सभा में मुझे नंगा किया जा रहा था, दुशासन मेरा चीर खींचता था, वहाँ आप बैठे थे, उस समय ये आपका ज्ञान कहाँ गया था, मैं इसलिए मस्करा रही हूँ। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इससे मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, इसलिए भोजन का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। वो सोच समझ के भोजन किया जाता, अन्न मसितम त्रेधा विधीयते, जो अन्न खाया जाता है उसके तीन भाग होते हैं, उसका जो स्थूल भाग है वो मलमूत्र के रूप में निकल जाता है और जो मध्य भाग है वो रस रक्त के रूप में हो जाता है और सूक्ष्म भाग मन में जाता है। फिर जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो अपना मन शुद्ध होना चाहिए। अस्तु, हम वो कथा आपको सुना रहे थे आकूति देवहूति प्रसूति। तो उन्होंने देवहूति से कहा कि देखिए हमारी ये कन्या आपको चाहती, इसको ग्रहण कीजिए और आपको विवाह तो करनी है। बुद्ध तत्सही कामस्य प्रतिपाल दोन सच्यते अभी निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। जो इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, निर्मुक्त संघ को भी नहीं करना चाहिए, फिर तो आपके मन में विवाह की इच्छा है।
तो सबसे पहले देवहूति का कर्दमनी से विवाह हुआ, सबसे विवाह की पद्धति वहाँ से शुरू हुई और वहाँ उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक विमान बनाया देवहूति के साथ। वहाँ पर विहार करते करते नौ कन्याएं हुई, नौ कन्याएं नौ ऋषियों को दे दी गई। जब वो विरक्त होने लगे तो देवहूति ने कहा कि कोई बेटा होना चाहिए, इन कन्याओं का भी विवाह कर दीजिए। पहले पुत्र ही उन्होंने कर देई सुवित विवाह देई सुवित बताएं सुता सुता विवाह के आप बसे बन जाए। गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि पहले पुत्रों को उत्पन्न करे और उनको जीविका से लगा दे और कन्याओं का विवाह कर दे, फिर उसके बाद मन में चला जाए। अभी से आप भाग रहे हो, बहुत से लोग पलायनवादी हैं। आपको यदि गृहस्थी में नहीं जाना है तो पहले मत जाओ। जब चले गए हो तो पूरे कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। आप ये नहीं कि संतान पैदा करके भाग खड़े हुए महात्मा बन गए, ये नहीं चलेगा। अस्तु कर्दम जी रुक गए, फिर उन कन्याओं का विवाह हुआ, फिर उसमें भगवान कर्दम का जो भगवान के अवतार थे उनका भगवान के अवतार हुए। उसके पश्चात उनकी परिक्रमा करके कर्दम जी तो चले गए, फिर कुछ काल तक कपिल देव जी वहाँ रहे। माता देवहूति उनकी शरण में गई, बेटा जरूर थे लेकिन ज्ञानी थे, तो उन्होंने उनको उपदेश दिया कि संसार में मनुष्य के बंधन का कारण आसक्ति, आसक्ति से ही प्राणी बंधन में पड़ता है। इसका उदाहरण एक भ्रमर है। एक भौरा कमल वन में उड़ता उड़ता गया और कमल में बैठ गया। दिन का समय था, कमल की पकड़ी खुली हुई थी, उसका सुगंध लेता रहा, उसके रस का अपने डंक से पान करता रहा। इतना आसक्त हो गया कि उसको दिन जाते सबका पता नहीं लगा। जब सूर्यास्त हो गया, भगवान अंशुमाली अस्ताचलगामी हो गए, तो कमल की पकड़ियाँ मुकुलित हो गई। वो चाहता तो अपने डंक से उस कोमल कमल की पखड़ियों को सकता था, वो सूखी लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन मनोरथ कर रहा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजोजहार। कमल में मुकुलित कमल में बैठा बैठा भ्रमर मनोरथ कर रहा है कि रात्रि बीतेगी इस प्रात होगा भगवान भुवन भास्कर उदयाचल पर अधिरूढ़ होकर भुवन अपनी किरणों से भुवन को आलोकित करेंगे और कमल खिल उठेगा और मैं निर्मुक्त होकर गगन में विहरण करूँगा। ये सोच रहा है इसी बीच में एक मत गजेंद्र आया हाथी और कमल वन को रोनते रोनते उसने उसी कमल की डंडी को सूंड से तोड़ा और पैर के नीचे रख के दबा दिया जा। तो ये होता है आसक्ति। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनक कवयो विदु। प्रसंग माने आसक्ति ही आत्मा का भयंकर पास है, लेकिन वही प्रसंग वही आसक्ति यदि सत्पुरुषों के साथ हो जाए, महात्माओं से प्रेम हो जाए, तो वो मनुष्य के कल्याण का साधक हो जाता है।
सैव साधु सुकृतम मोक्ष द्वारम आवृतम। सत्संग से क्या क्या लाभ होता है? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति तत्कर्ण रसायना भवन्ति मत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा शुभवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। जब मनुष्य सत्पुरुषों के पास बैठता है तो सत्पुरुषों के पास बैठने पर उसको क्या मिलता है? जब आप महापुरुषों के पास बैठेंगे तो वे भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, और दुर्जनों के पास बैठेंगे तो वो दुर्जनों की कथा सुनाएंगे। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा, तो वो भगवान के वैभव को, भगवान के प्रभाव को समझाएंगे, तब भगवान की कथा हृदय और कर्ण के लिए रसायन स्वरूप हो जाएगी। जैसे रोगी को रसायन दे दी जाए तो रोगी का रोग दूर हो जाता है, उसी तरह से प्राणी के हृदय और कान रसायन के समान हो जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग में श्रद्धा रति और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये बताया गया है कि भगवान अखिलांतर आत्मा है, उनके चरणों में भक्ति को छोड़कर मनुष्य के योगियों के लिए, ब्रह्म शुद्धि के लिए कोई अच्छा मार्ग नहीं है। तो कपिल देव जी ने अपनी माता को ज्ञान का उपदेश किया, तत्वों का विभाग बताया, कैसे पुरुष और प्रकृति है, उनमें फिर प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उससे फिर महातत्व हुआ, महातत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से वैकारिक तेजस तामस हुए, फिर उसके बाद पंचीकरण हुआ, फिर इंद्रियां और मन बने। ये सब का सब संसार प्रकृति से बना है और पुरुष जो है उससे असंग है। उस पुरुष को प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो प्रकृति के गुणों से आसक्त हो जाने के कारण ये पुरुष अपने आप को भूल जाता है। तो भू विस्मृति न होने पाए इसके लिए पहले अपने मन को भगवान की भक्ति से शुद्ध करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में सांख्य शास्त्र का उपदेश किया गया है, लेकिन ये शेषर सांख्य है, ईश्वर को इसमें माना गया है। तो इस शेषर सांख्य का उपदेश करने से माता देवहूति को ज्ञान हो गया और कपिल देव जी वहाँ से चले गए और देवहूति वहीं बिंदु सरोवर में अपना तपस्या करने लगी, करते करते समाधि में स्थित होकर परम गति को प्राप्त। इस तरह से कपिल देव जी के द्वारा ज्ञान का उपदेश आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो देवहूति को मिला है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आती है। तो दो बेटे थे मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जो था उसकी दो पत्नियां थी, पहली पत्नी सुनीति थी और दूसरी सुरुचि थी। सुनीति से विवाह करके डोना लेके चला रहा था, हाँ पहले सुनीति से विवाह हो गया लेकिन संतोष नहीं हुआ तो सुरुचि से विवाह किया। उसका डोना लेके चला रहा था, कहार डोले रहे थे तो कहारों ने बता दिया कि घर में एक रानी और है। तो वो कहने के हमारा को बल पार की उतारो, हम घर जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाते। उत्तानपाद ने कहा क्या बात है,
बोले हमारी जब सौत बैठी है तो हम वहां नहीं रह सकते, पहले उसको हटाओ। ईशा का वहां बहुत होता है, दो स्त्रियों अगर किसी की हो जाए तो मुसीबत हो जाती है। ऐलान ने कहा है, एक कथा सुनाई है, एक आदमी की पांच स्त्रियां थी, लेकिन इसमें एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति की दो स्त्रियां थी, एक स्त्री थे, दो स्त्रियां थी, दोनों में झगड़ा होता था तो उन्होंने दोनों का पार्टीशन कर दिया, एक को ऊपर का तरला मकान का दे दिया और एक को नीचे का दे दिया, और बारी बारी से दोनों के पास रहता था। एक दिन की बात है, नीचे वाली की बारी थी तो उसने भूखा था, बाहर से आया, कहा कि भोजन तैयार है, कहा थोड़ी देर लगेगी। ऊपर वाली बोली कि परोसी हुई थाली पड़ी, चलो ना। तो ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी में आधा चढ़ा था कि नीची वाली ने पांव पकड़ के खींचा और ऊपर वाली ने चोटी पकड़ के खींची। वो ऊपर वाली मजबूत थी, गजग्राह जैसी लड़ाई होने लगी, कभी वो खींचे कभी वो खींचे, वो छोड़े तो वो छोड़े। इसी बीच में क्या होता है कि एक चोर सेंध लगा के चोरी करने के लिए उस महल में गया, उसने तमाशा देखा, वो सोचने लगे तो रात भर यही तमाशा देखता रहा और हो गया सवेरा। इतने में भागने लगा सिपाही, उन्होंने पकड़ा, पकड़ के ले गए मजिस्ट्रेट के यहाँ। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों जी तुमने फेंद लगाई? हाँ जी लगाई। कहा किस लिए लगाई? का चोरी करने के लिए। कहा चोरी क्यों नहीं किया? वो बोला कि हुजूर दो शादी पर मत करना और चाहे जितनी सजा देना। एक स्त्री किसी की थी, एक तो पहले की थी, एक दूसरी नई थी। तो जो पहले की थी उसके आधे बाल सफ़ेद थे और इसके भी आधे बाल काले थे, तो दोनों में झगड़ा होता। तो नीचे वाली जो है वो सफ़ेद बाल बीनती थी और ऊपर वाली काले बाल बीनती थी, गंजा कर दिया उसने। तो ये आसक्ति जो है, संसार के भोगों की आसक्ति ही बंधन का कारण होती है। तो वो नहीं गई तो राजा उत्तानपाद ने उसको गौशाला में रख दिया, काग बिड़ारण बना दिया कि दूध दही हो और कौओं से बचाओ। अब ये हालत हो जाती है, पति ऐसा हो जाए बड़ा मुश्किल है। अभी सवेरे एक महिला कह रही थी, हमारे पति ने हमको छोड़ दिया है, हम क्या करें? हमने कहा कि ज़्यादा मायके का नाम लोगी तब तो छोड़ ही देगा, जिस घर में गई हो उसी को अपना घर समझो और उसको संभालो। और पति को भी चाहिए कि जिसका हाथ पकड़ा है तो कम से कम निभाओ उसको, उसके बीच में उसको छोड़ना धर्म नहीं है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। आजकल तो थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ पड़ते हैं, क्षमा रही नहीं गई है। दीदी क्षमा, क्षमा से संसार। एक होता है क्षमा करना पड़ता है, क्रोध बड़ी बुरी चीज होती है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि तुम पढ़ने जाते हो, अगर तुम फेल हो गए तो घर में पैर नहीं रखना।
उसने कहा हाँ हम कोशिश करेंगे फेल ना हो, लेकिन वो फेल हो गया। पिता ने कहा था कि घर में पैर नहीं रखना, तो वो हाथ के बल पे आया घर में। बोले कैसे आ रहा है, बोले आपने कहा कि पैर नहीं रखना। कभी कभी लोग कहते घर से निकल जाओ, तो निकले जाए तो फिर मानो पश्चाताप होता है। तो हुआ ये कि वो काग वेड़ाणन बन गई और सुनीति महल में रहने लगी। किसी समय कोई संत महात्मा आए, उसने महात्मा की दूध दही से पूजन किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजा आएगा आखेट खेलते हुए तेरे यहाँ, तो तेरे पुत्र हो जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज मेरी एक बहन घर में है, उसको भी होना चाहिए। जो सज्जन होते हैं वो सबके हर एक सोचते हैं। तो सुनीति के ध्रुव हुआ और सुरुचि के उत्तम हुआ। उत्तम को अपनी गोद में खिलाता था राजा, सिंहासन में बैठा अपनी स्त्री के साथ सुरुचि के साथ क्रीड़ा कर रहा था। खेलते खेलते ध्रुव जी गए। ध्रुव जी ने देखा कि हमारा भाई खेल कर रहा है, ये हमारे पिता हैं, तो ये भी गोद में बैठने लगा। राजा ने हाथ भी बढ़ाया, लेकिन सुरुचि ने जैसी आंख तरेरी हाथ खींच लिया और उसने कहा अरे राज सिंहासन में बैठने का तू अधिकारी नहीं है, अगर तू बैठ राजा के सिंहासन में बैठना चाहता है तो तपस्या से भगवान की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तू आसन में बैठ सकता है। बहुत उदास मन से ध्रुव जी पहुँचे। सुनीति ने पूछा कि बेटा तेरा मुँह आजकल उदास है, क्या बात है? तो जो साथ के लड़के थे उन्होंने बताया कि आज इसका अपमान हुआ है। तो वो भी रोई, बोली कि बेटा अब भगवान का ही भजन करो। तो वो घर से निकल पड़े। रास्ते में नारद जी ने समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो हम जो कुछ लेना होगा भगवान से लेंगे। मथुरा में आके उन्होंने घोर तपस्या की। त्रिरात्रांत्र त्रिरात्रांत्र कपित पदरासना, तीन रात उपवास करें और अंत में कैथ और बैर से अपना पारण करते थे। और उसके बाद फिर वो जल पी के रहने लगे, फिर हवा पी के रहने लगे, फिर हवा भी छोड़ दी। तो फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया। बालक थे, 5 वर्ष की अवस्था थी, स्तुति करना चाहते थे। भगवान ने अपना शंख उनके कपोल में रख दिया। सारी विद्याएं उसके बालक के अंदर आ गईं। यौन तप प्रवेश ममवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यान् सहस्त चरण श्रवणत्तगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुम्हें। इस तरह से स्तुति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक तुम सिंहासन में रहो, राज करो, फिर बाद में मेरे पास आ जाना। तो ध्रुव जी वहाँ से लौटे। नारद जी ने जाके राजा को बता दिया। सब उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गए। सुरुचि भी आ गई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। तो उनका बड़ा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। ध्रुव जी राज सिंहासन में बैठे, लेकिन उनके मन में पश्चाताप रहा कि हमने अर्थ क्यों मांगा। भगवान को प्राप्त करके किस कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। अंत में उसके पश्चात उत्तम की मृत्यु हुई। दावाग्नि से जल के किसी यक्ष के द्वारा फिर ये वन में चले गए, बद्रिकाश्रम गए। वहाँ इनके लिए विमान आया तो मृत्यु के
मृत्यु आ गया। मृत्यु ने कहा कि हमको स्वीकार करो, तो ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पे पैर रखा और विमान पे चढ़ गए। आज तक उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान है। तो मृत्यु जो है अमृत का सोपान बन जाता है यदि कोई भगवान का भक्त हो जाए। इस तरह से ध्रुव जी की कथा है, फिर उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत राजा की कथा है, उसके पश्चात और भी अनेक कथाएँ प्रहलाद की कथा है, ये आपको कल सुनाएंगे। आज यही कथा का विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय साथ लागे अरुणे चलोगे जाता सदा साथ नहीं पुकारो जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद दामो दरमान कल्याण हो गो माता की जय हो गो हत्या बंद हो हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब आरती होगी, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो यजमानगण हैं वे मंच के सामने एक पंक्ति में आकर के अपनी अपनी आरती प्रकट करके खड़े हो जाएं। बहुत स्पीड पंडित